सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि रोज एक नया एपिसोड लाएं, एक नए विषय पर बात करें और विभिन्न क्षेत्रों से भी सबका उसमें योगदान रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री सतीश चंद दुबे जी। आप माननीय सांसद हैं, राज्यसभा बिहार से आते हैं आप, तो आपसे हम आज इस परिचर्चा को आगे ले चलेंगे नमो ऐप वर्चुअल मीट के माध्यम से और हम जानेंगे कुछ विषय के बारे में प्रश्न उत्तर के माध्यम से। लेकिन इससे पहले कि हम प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करें, मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद जी से कि आप कृपया एक प्रारंभिक उद्बोधन दें और उसके बाद हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। माननीय सांसद जी, पहले सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं इस तमाम नमो ऐप के ऑर्गेनाइजेशन को। और मेरा मेरा एक मानना है कि नमो ऐप ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, जिससे डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से हर व्यक्ति जुड़ सकता है। जिस ऐप के माध्यम से डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी की लाइव देख सकता है, एक एक जो हम लोग के द्वारा सदन में कार्रवाई होती है, नए नए अधिनियम जो लाया जाता है उसको इस पे हम लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नमो ऐप के पहले यानी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था और आम जनता को सुबह शाम टीवी बैठ के देखना पड़ता था, सुबह पेपर उठा के पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब से नमो ऐप लॉन्च हुआ है, इसके माध्यम से आप कहीं भी रहें, कार में रहें, बस में रहें, मोटरसाइकिल पर रहें, 10 मिनट के लिए कहीं आप चाय पीने के लिए रोकते हैं तो जरूर नमो ऐप खोल के सारी देश की गतिविधि को आप जान लेते हैं। मोदी जी की डायरेक्ट कहाँ अभी है, किस ढंग से है, कौन किस विषय पे काम कर रहे हैं, सब कुछ आप अच्छा से देख सकते हैं। इसलिए जितना भी बधाई दिया जाए, नमो ऐप से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम में जो काम कर रहे हैं वो कम पड़ेगा। और आज के डेट में नमो ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है, जिसके माध्यम से अपनी समस्या जनता भी रख सकती है, उस पर डायरेक्ट मोदी जी के कार्यालय तक समस्या अपनी पहुंचा सकती है। और मोदी जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा समय समय से जो मार्गदर्शन दिया जाता है सारे लोगों को, वो डायरेक्ट देख सकती है, सुन सकती है। इसलिए मोदी ऐप बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में है। दूसरा कि इसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है शायद जिसको अपनी देश से मतलब है, एनर्जेटिक है, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचता है। अगर आज के युग का लड़का है तो उसके पास निश्चित रूप से मोदी ऐप डाउनलोड है और उसके जरिया से अपनी बात को सुनता है, देखता है और जो समाज में बैठे पर चर्चा पर चर्चा भी करता है कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ हैं, आज दूसरे देश में हैं और एक प्रोग्राम लंच कर रहा है, ए स्कीम काम कर रहा है, सब इसके माध्यम से जानकारी हम सब लोगों को होता है। इसलिए आप सब लोग, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है, टीम है, उसको मेरे तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और